हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। हमारी आज की वीडियो में हम हॉकी खेल पर निबंध लिखना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हॉकी को हमारे भारत देश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, तो हॉकी पर निबंध बहुत अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। तो आज हम इसी पर बिल्कुल ही आसान स्लोगन्स के साथ निबंध लिखना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा स्लोगन। भारत का राष्ट्रीय खेल कहलाता हॉकी, सभी के दिलों को खूब भाता। इस तरीके से स्लोगन्स के साथ निबंध की शुरुआत करने पर एग्जामिनर पर अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। देन हम अपना निबंध लिखना शुरू करेंगे। स्टार्टिंग में हम हॉकी खेल का संक्षिप्त परिचय यानी कि शॉर्ट में परिचय देंगे। हमारे देश भारत में बहुत से खेल खेले जाते हैं, उनमें से हॉकी एक महत्वपूर्ण खेल है। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई भी घोषणा नहीं हुई है, यानी कि सरकार की तरफ से यह राष्ट्रीय खेल घोषित अभी तक नहीं किया गया है। आगे, यह खेल सभी देशों के द्वारा खेला जाता है, यानी कि भारत के अलावा भी और भी देश इस खेल को राष्ट्रीय स्तर तक खेलते हैं। देन बहुत ही तेजी के साथ खेला जाने वाला यह खेल दो टीमों के बीच खेला जाता है। हॉकी खेल को खेलने वाली एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और सामने वाली टीम में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। सभी खिलाड़ियों का लक्ष्य अधिक अंक प्राप्त करने के लिए बॉल को दूसरी टीम के नेट पर मारना होता है। जो टीम तेजी से पॉइंट बनाती है वो टीम जीत जाती है। हॉकी खेल को खेलने के लिए एक हॉकी स्टिक का होना जरूरी है। हॉकी स्टिक से ही हॉकी की गेंद को रगड़कर पाले या नेट तक ले जाया जाता है, जहां गोल करना होता है। दोनों टीम में एक गोल कीपर होता है जो दूसरी टीम के गोल को होने से रोकता है। जैसे ही कोई सामने वाली टीम गोल करती है, उनका खिलाड़ी गोल को रोकने का प्रयास करता है और बॉल को वापस मैदान की ओर फेंकता है। जो टीम सबसे ज़्यादा गोल बना देती है वो टीम जीत जाती है। तो इस तरह से हमने हॉकी का खेल किस प्रकार से खेला जाता है, इसमें क्या क्या रूल्स, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो लिख लिया है। अब आगे हम हॉकी के बारे में छोटा सा इतिहास लिखेंगे। हमारा देश सन 1928 में हॉकी में विश्व विजेता रह चुका है और ओलंपिक खेलों में 6 स्वर्ण पदक जीत चुका है। 1928 से 1956 तक हॉकी में भारत की बादशाहत थी। यह युग भारत में हॉकी का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसी कारण हॉकी की लोकप्रियता ऐसी बढ़ी कि इसे मौखिक तौर पर राष्ट्रीय खेल कहा जाने लगा। इस दौरान मेजर ध्यानचंद जैसे बुद्धिमान हॉकी के खिलाड़ियों ने देश को गौरवान्वित किया, क्योंकि इस बीच में ओलंपिक खेलों में भारत ने बहुत बार हॉकी में विजय प्राप्त की थी। हॉकी खेल को भारत में काफ़ी पसंद किया जाता है। देश में हॉकी खेल की कई राज्य टीमें हैं जो इस खेल में खेलने के लिए हिस्सा लेती हैं। हमारा देश हॉकी का विश्व चैंपियन भी रह चुका है। हमें देश की हॉकी टीम पर और हमारे हॉकी खेल पर गर्व है। इतना लिखने के बाद हम लास्ट में दो पंक्तियां स्लोगन की लिखकर अपने निबंध का एंड करेंगे। ऐसे ही नहीं, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल कहलाया, ओलंपिक में था इस खेल ने, मान देश का बढ़ाया। तो इस प्रकार से स्लोगन्स के साथ आप हॉकी खेल पर एक प्रभावशाली और बिल्कुल ही आसान निबंध लिख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।